वास्ता, फुकरों पे साथ का फिर क्या हुआ? क्यों है ये बेवजह मीलों का फासला, तुम्हें क्यों जुदा? अब से तेरा आंखों में आज भी हम दम मेरे, ओ लेना चाहे ओके सो इट वॉज अमेजिंग यार. अभी हम लोग सब कर ही रहे हैं, लाइक सॉन्ग्स आर कमिंग इन एंड देन वी स्टार्टेड विद द बैकग्राउंड म्यूजिक. सो हम लोगों ने माय डेब्यू मूवी वॉज भैया जी सुपर हिट, सो हम लोगों ने 2012 में करी थी बट वो आ नहीं पाई थी एंड देन इट केम आउट इन. पहली जो मूवी आई थी वो 2012 में आई थी एंड देन वो हमने 2012 में करी थी, आ नहीं पाई थी. 2018 में वो रिलीज हुई एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स. सो फ्यू सॉन्ग्स आर कमिंग इन एंड कुछ गाने आए, आप लोगों ने बहुत पसंद करा उस गाने एंड कोट मूवीज कमिंग इन एंड उसमें दो गाने हैं तो आप लोग बहुत पसंद करेंगे. माई फादर है, सो माई फादर इज पॉइट, ही इज़ अ उर्दू पॉइट, सो ही ऑलवेज मोटिवेट मी कि नहीं नहीं करो, सुबह उठ के करो एंड देन स्कूल के बाद ही उन्होंने मेरे को म्यूज़िक स्कूल में डाल दिया था जहाँ पर मैं जयंत से मिला. सो सिंस देन वी आर टुगेदर, वी वर्किंग टुगेदर. हम लोगों का एक गाना भी आ रहा है जी म्यूज़िक पे अभी 5-6 दिन बाद, आप लोग सुनना, आपको बहुत पसंद आएगा. हम लोग म्यूज़िक स्कूल में मिले थे और चंदन के बारे में यहाँ पे कम लोग को मालूम है कि बॉलीवुड के अलावा वो ब्लूज़ म्यूज़िक बजाते थे वो काफ़ी उस समय, ब्लूज़ और जैज़ में थे काफ़ी ज़्यादा. अभी हम बॉलीवुड कर रहे हैं और मेरा यहाँ पर शुरुआत ही इनके साथ हुई है, ये पहले से ही यहाँ पर थे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, बस देख रहे हैं. तो कैसे मतलब जब कोई सॉन्ग या फिर प्रोजेक्ट आपके पास आता है क्या क्या तो एक बेसिक आइडिया होता है उसका, ज़रूरी नहीं है वो यहाँ से आए कहीं से भी आता है, बस उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं इंस्टेंटली और बीच में काफ़ी ज़्यादा फिर नोकझोंक भी होती है, झगड़े होते हैं हमारे के कैसे करना है. अब कई चीज़ों पे मैं अग्री नहीं करता, वो अग्री नहीं करते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गाना अच्छा होना चाहिए तो हम बस वही सोच के आगे काम करते हैं. सिम्बा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस? सिम्बा वॉज अमेजिंग यार, सिम्बा एंड रोहित शेट्टी एंड देन द होल टीम वॉज अमेजिंग यार. सो भी उससे बहुत कुछ सीखा, लाइक यू नो भैया जी सुपर हिट देन इट वॉज ऑल्सो. सो हर मूवी कुछ ना कुछ सिखाती है ना, क्योंकि सबकी फील अलग है, सब अलग म्यूज़िक चाहते हैं, हर डायरेक्टर अलग म्यूज़िक चाहता है. सो टू गेट ऑन द सेम पेज इज़ वेरी हार्ड एंड यू नो इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने बताया मुझे लव सॉन्ग चाहिए एंड देन रात को हम गाना दे रहे हैं, सो वो रिजेक्ट होता है. सो कि नहीं नहीं पसंद नहीं आया, नहीं जा रहा मूवी में, सेंड मी सम डिफरेंट. सो उसमें कहते हैं नहीं यार बहुत अच्छा गाना बनाया, डायरेक्टर को पसंद ही नहीं आ रहा है तो वी मेक अनदर सॉन्ग. सो इट जस्ट लाइक दिस. जैसे सर ने कहा कि बहुत चैलेंजिंग होता है, तो थोड़ा सा बताइए इस चैलेंज को ओवरकम कैसे करते हैं आप लोग, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. चैलेंज को ओवरकम हमने धीरे धीरे करना सीखा है. पहले एक्चुअल में क्या होता था, जो हम चीज़ें बनाते थे हम उनके साथ इतने अटैच्ड हो जाते थे कि एक बार रिजेक्ट हुआ तो ऐसा लगता था जिंदगी खत्म हुई, अब कैसे करेंगे. फिर धीरे धीरे उसके साथ सीखा कि हाँ चीज़ें रिजेक्ट होंगी, हम जिस जोन में हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला उसी जोन में वो चीज़ सुन रहा हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिकॉज प्रोडक्ट उसका है
तो फिर हम कुछ अलग सोच के बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी जो नीड्स है उसे मीट कर सके हम लोग. या सो बहुत लाइक यू नो इट्स वेरी डिफरेंट मेकिंग यू नो सॉन्ग्स कि अपने सिंगल्स कर रहे हैं. सिंगल्स में कोई सिचुएशन नहीं होती, दे वॉन्ट लव सॉन्ग, आप उन्हें कुछ भी दो, इफ यू दे लाइक इट दे स्टार्ट डूइंग इट. बट मूवी में ऐसा नहीं है. मूवी में पहला गाना कौन सा था, क्या स्टोरी चली है, अब सब कौन सा गाना आ रहा है, सो इट डिपेंड्स. एंड डायरेक्टर का मूड अलग होता है, लाइक यू नो उसमें पूरा उसका बच्चा है पूरी मूवी, तो उसने मूवी बनाया, उसके बाद कैसा गाना आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बिकॉज उन्होंने तो मूवी बनाई है, हम हमारे पास अभी भी आई है, तो हमें टाइम लगता है उसमें, लाइक यू नो. बट इट हैपेंस यार, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यू नो इट्स नॉट लाइक मशीन की पहले गाना वोकल बना लिया एंड देन बना दिया गाना बन गया. और हम करना भी यही चाहते थे, करना भी यही चाहते थे. या सो उस टाइम पे जयंत नहीं था, मैं आ नहीं था, ही वॉज नॉट हेयर एंड देन. बट जयंत अब कोट मूवी, ही इज अ पार्ट ऑफ कोट मूवी एज वेल. सो कोट मूवी में भी बहुत उन्हें सटीक गाने चाहिए थे कि लाइक यू नो लव सीन है तो अगर लड़का अलग हो जाए तो पूरे लिरिक्स वैसे हो, म्यूजिक वैसा हो. सो इट्स अमेजिंग यार, लाइक उसके बारे में क्या सकते हैं, सब डायरेक्टर अलग हैं, सबका म्यूजिक सेंस अलग है. बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी जोड़ियाँ आई है, हमने देखा नदीम श्रवण, फिर विशाल शेखर अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शंकर एहसान लॉय, साचित परंपरा अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, कोई मानते हैं आप इनको या फिर आप लोगों को पसंद आया, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, सबके लिए, तो आप लोग प्यार करेंगे तो हम और बनाएंगे, हम वैसे भी बनाएंगे. बट कोई कॉम्पिटिशन नहीं है यार, सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब मतलब सीख रहे हैं अभी, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं. और एक्सेप्ट योर डैड, हु व्हिच म्यूजिक डायरेक्टर इंस्पायर्स यू फॉर? अमित त्रिवेदी, ए आर रहमान, दे बोथ. सो मेरी प्लेलिस्ट में सब अमित त्रिवेदी एंड ए आर रहमान है ऑलवेज, कोई और है ही नहीं. बट जैन का मुझे अभी सेम सेम ए आर रहमान, तो ए आर रहमान यार सारे म्यूजिक एवरीथिंग यार. सो ए आर रहमान एंड अमित त्रिवेदी ओनली. एंड इन फ्यूचर व्हाट प्रोजेक्ट यू आर डूइंग? सो वी डूइंग कोट मूवी and then few movies also coming, but अभी हम आपको बाद में बताएंगे इस मूवी के बारे में. कुछ सिंगल्स आ रहे हैं जी म्यूजिक पे, रैबर एंड देन पैपॉन के साथ कुछ गाने आ रहे हैं. वी आर डूइंग समथिंग विद नेहा कक्कर ऑल्सो, सो वी गोना रिलीज इट सून, वेरी सून दिस ईयर ओनली. ऑल्सो PSJ मीडिया विजन के साथ आप लोगों ने जो गाना रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा है. सो हम लोगों ने गाना रिकॉर्ड करा शाहिद माल्या के साथ, बहुत बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा रहा हमारा, काफ़ी सिंगर सिंगर हैं सिंगर हैं. एंड देन वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग हेयर ओनली, या हेयर ओनली PSJ में हमने शाहिद माल्या जी के साथ गाना रिकॉर्ड किया, और वो गाना भी आने वाला है, मतलब आप सुनेंगे, आपको ये गाने की तो हम गारंटी ले सकते हैं, आपको 100% मजा आएगा. इस गाने में बहुत पंजाबियत है, लाइक शाहिद माल्या उनका जैसा टोन है, टोनैलिटी जैसी है. So, जल्दी रिलीज करेंगे हमने भी. हाँ, OPS when it will be releasing and it's coming out next month. Yeah, हम PSJ के बारे में बोल रहा था. Okay. Anything you like to say to audience? जन to your fans and the audience. नहीं, fan तो कोई है नहीं यार, follower हैं सब. अभी आप लोग देखते रहो और गाने सुनते रहो, प्लीज शेयर करो, सब लाइक करो. बाकी के अगर आपने गाने नहीं सुने तो प्लीज़ जाओ और कुछ सुनो, शेयर करो, टैग करो. वी लव यू नो अगर आप लोग सुनते हैं बस. थैंक यू सो मच.